आज हमने अपने परिंदों की तरपाले उठाई ही नहीं है, इतनी ज्यादा सर्दी है, ऐसे पता चल रहा है जैसे दिसंबर चल रहा हो। सर्दी तो नहीं है आज? आज तो बहुत ही ज्यादा वाली सर्दी है, इसलिए दाना पानी इनको हमने दे ही दिया। और वो ऊपर भी देख रहे हैं, लाइटें हमने जला दी और अंदर भी लाइटें जल रही हैं। और आज कल परसों 3 दिन बताए गए हैं बारिश होगी, रुकेगी नहीं। तो अभी भी ये देखें, बारिश लगी हुई है हल्की हल्की, कभी रुक जाती है कभी शुरू हो जाती है। ठंड तो आज भाई साहब बहुत ही ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आपको एक मजे की चीज बताता हूँ, जो डायनासोर की फीमेल हम रात के वक्त लाए थे वो वाकई में ही यार डायनासोर की फीमेल है। आपके लिए खुशखबरी भी है। तुम्हारा चेहरा देख के मुझे खुशखबरी का पता चल गया यार। आप मुझे बताने दिया करें यार आपका। चलो तुम बता दो, चौथा अंडा आ गया है उस चीज का। माशाल्लाह चौथा अंडा आ चुका है, जिस चीज का इंतजार था। अभी अंदर जाता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ, खुद भी देखता हूँ। अब पता नहीं वो अंदर जाने देगा कि नहीं जाने देगा। सिक्योरिटी गार्ड साहब पहले से ही आगे खड़े हैं। भाई सब थोड़ा सा अगर इस साइड पे हो जाओ ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं नहीं देखने दूंगा आज अंडा। निकाल दे इनको बाहर, एकदम से आते यार। मुझे तो लगता है किसी दिन ये दरवाजा भी तोड़ेगा, ये साथ वाली ना दीवार भी तोड़ देगा। जितना आजकल गुस्सा, मतलब दिन ब दिन जितने अंडे आते जा रहे हैं गुस्सा उतना ज्यादा होता जा रहा है। किधर? तीन ही है, चार? तीन है यार, हाँ चार है। ये एक कार्नर में पड़ा हुआ, एक दो तीन चार, फिर आएगा। अभी देखिएगा, आओ इधर आओ, आ जाओ। तो अभी मिशन शुरू हो चुका है अंडा देखने का, अंडा उठाने का और देखने का। पता नहीं उठाने देगा कि नहीं। चलो चलो चलो, डरा दिया। मारेगा, जाए ना अंदर, अंडा उठाए। चलो भाई चलो, पीछे जाओ। शाबाश, इससे डरता है इससे तो है। मुझे अंडा नजर आ चुका है, क्या करें, बाहर निकाले? नहीं, तुम पीछे हटो, मैं दरवाजा खोलने लगूं। भागो भागो भाई साहब। पीछे आ जाते यार, निकलने दो इनको, निकलने दो ना, फिर आराम से जाके अंडा देखते हैं। मेल भी निकला है, शेर मैदान में आ चुके। आ जाओ इधर। ये वाला ये है ना। तो ये रहा चौथा अंडा। यार इनका कलर 2-3 दिन तक ना चेंज हो जाता है, अभी येलो है, 1-2 दिन बाद इनका कलर व्हाइट हो जाएगा। सबको इकट्ठा कर दूं ना? नहीं, पड़े रहे। खैर यार यहाँ पर ठीक है। और ये देखें, ये तीसरा अंडा है और ये चौथा अंडा है। अब इनका साइज फिट है यार, जो पहले वाले दो थे ना उनका साइज काफी छोटा था। पहला वाला अंडा सबसे छोटा, दूसरा वाला उससे बड़ा, तीसरा वाला उससे बड़ा और ये चौथा वाला उससे बड़ा। दिन ब दिन अंडे बड़े होते जा रहे हैं। इन बेचारों ने कब से शोर मचाया हुआ। अच्छा निकालता हूँ, चलो भागो, निकलो। शाबाश, अभी ये कर रहे हैं फीड और मैं जल्दी से देख लेता हूँ कि और कितने बच्चे निकल आए इनक्यूबेटर में। वैसे तो मुझे नहीं लगता, लेकिन 6 अंडे थे, वहीं के वहीं 6 अंडे पड़े हुए हैं और इनमें से भी मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा निकलेगा। बस जो एक बच्चा निकला ना माशाल्लाह, वो देखे कार्नर में कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको अभी मैं यहीं पर थोड़ा सा पानी पिलाता हूँ, थोड़ा सा दाना खिलाता हूँ और उसके बाद फिर यहीं पर इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि बाहर तो आज बहुत ठंड है, इसको बाहर हम नहीं निकाल सकते। अली ऑस्ट्रिच को घर के अंदर बंद कर रहे हैं। अभी एक दफा अली को वहां तक भगा के लेके गया ऑस्ट्रिच का मेल हमला करने के लिए, आज अली गया। बचत होगी है। वैसे ये हरकतें छोड़ दो तुम, वरना किसी दिन इसने तुम्हें टक्कर मारी ना तो तुम्हारा हाल बुरा हो जाना है। ये खतरे यहाँ पर होते हैं। ये देखें, ये अभी अली के पीछे लगेगा। वो कहाँ तक लेके गया है, ये देखो तुम्हें कहाँ तक लेके गया है। अभी तुम फिर इसके पीछे, बच जाओ इससे। मैं भाई साहब नहीं आया। तो दोस्तों बारिश हो चुकी है शुरू यार, मुझे तो जाना चाहिए था बारिश से पहले, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उधर भी तो इतने ज्यादा काम थे। देखिए कितना ज्यादा खुश है, क्या लेने जा रहे हैं, इधर हो ना जल्दी। क्या? नहीं, डॉग्स नहीं, डॉग लेने जा रहे हैं। कौन सा वाला? मुझे क्या पता, ये तो आगे जाएंगे पता नहीं। हम लेने जा रहे हैं कूता। ये कह रहा था कूता लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लेने जा रहे हैं जर्मन शेफर्ड अपने घर के लिए। यार बहुत ही प्यारा एक जगह पर था ना, तो मुझे पसंद आ गया, तो बस अभी हम लेके आते हैं। अली को अभी तक हमने नहीं बताया, उसको सरप्राइज देते हैं। तो दोस्तों वापस हम आ चुके हैं अपनी गली के अंदर और जहन को देखे आगे की, कुछ नहीं कहता, इधर मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं कहता। अली को नहीं बताना, दरवाजा सिर्फ खुलवाना है, अली को बताना नहीं है कि हम लाए क्या हैं। और दोस्तों हमारा जो नया डॉग है ना, उसका नाम है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ब्रावो है। और ब्रावो इस वक्त मेरे हाथ में है, जो कि बच्चों का काफी ज्यादा दुश्मन है। और ये देखें कैसे देख रहे हैं जहन को, ब्रावो ब्रावो ब्रावो, कुछ नहीं कहना ठीक है ना। और यार ब्रावो ने
जब मैंने इसे लिया ना तब इसने भी मेरे ऊपर हमला कर दिया था और मेरी स्वेटर यहाँ से इसने फाड़ दी है, लेकिन अभी ये मुझे कुछ नहीं कह रहा। तो अभी हम लेके जाते हैं ब्रावो को। रुक जा। तो ब्रावो को अभी हम घर के अंदर लेके जाते हैं और अली को सरप्राइज देते हैं। ये लो मोबाइल पकड़ लो और जाके जल्दी से दरवाजा खुलवाओ। ये हमारा ब्रावो है। ब्रावो शरारत नहीं करनी, ठीक है ना? ये देखें कितना प्यारा है। चलो भाई 1 2 3 ब्रावो। चलो चलो जल्दी से दरवाजा खुलो। अली को नहीं बताना, ठीक है? नहीं ब्रावो, ऐसे ब्रावो ब्रावो कुछ नहीं कह रहा। वो काट लिया। कहे कुछ नहीं, कुछ नहीं कह रहा ना भाई। ये आप पकड़े हैं। नहीं यार कुछ नहीं कहते। इधर आओ यार, काटेगा यार। ब्रावो 1 2 3 यार इतने डर जाएगी यार। नहीं नहीं हिरन तो इतने दूर खड़े हैं, डर जाएगी डर जाएगी। ये लो यार, इधर आओ इधर आओ। ये लो रस्सी, यहाँ से पकड़ो यार। ये काटेगा, पकड़ो रस्सी यहाँ से। ये पकड़ो यार, पकड़ जोर से, छोड़ना नहीं है इसे, ठीक है ना? पकड़ लो, चलो अब कुछ भी नहीं कर। ब्रावो ब्रावो ब्रावो, चलो अली के पास और जोर से पकड़ के रखना, ठीक है ना? छोड़, ये मेरे ऊपर हमला करेगा। ये ए ब्रावो, उसने रैपिड्स देखनी है। हाँ ब्रावो ब्रावो, कुछ भी नहीं कह रहा यार, सिर्फ ज़ेन का दुश्मन है। तुम इसके करीब नहीं आना यार। ब्रावो तो बहुत ही ज्यादा ढीठ है, ज़ेन के पीछे लग जाता है। ज़ेन इधर पकड़ ले। कुछ नहीं कहता यार, तुम्हें कुछ नहीं इसने बोले। कितना प्यारा है, सिर्फ ये देखो इतना मजे का है। जो भी देख रहा था ना रास्ते में वो पूछ रहा था कहाँ से लायो भाई, कितने का लायो, हमें दे दो, इसके बच्चे हैं, इस तरह के सवाल सारे कर रहे थे। लेकिन है काफ़ी प्यारा। अब बस ये दुआ करो ये घर वालों को भी पसंद आ जाए। अभी तक अबू ने इसको नहीं देखा, अब अबू का क्या रिएक्शन होगा वो तो मैं नहीं बता सकता। ब्रावो को मुझे लगता है प्यास लगी हुई है, काफ़ी भाग भाग के आया है ना। हाँ ये देखें ब्रावो ने अच्छे से पानी पीना शुरू कर दिया है। और दोस्तों ब्रावो एक तो दूध पीता है, इसकी फीड भी है, लेकिन हम इसे फीड नहीं देने वाले यार। इसे सिर्फ कीमा मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा कमज़ोर मुझे लग रहा है। एक तो इसे कीमा मिलेगा और दूसरा इसे दूध रोटी ये चीज़ें मिलेंगी। फिर हमारा ब्रावो ये जो थोड़ा सा कमज़ोर है, इसके ये जो बाल हैं ये सारी सफाइयाँ करनी है, इसका नया बेल्ट, ये सारी चीज़ें भी जब होंगी ना, ओए होए होए क्या प्यारा लगेगा। अभी दोस्तों हमारे नए डॉग ने अली और ज़ेन के ऊपर हमला किया, पता नहीं हमला किया या खेल रहा था। काटा हुए यार क्या और उसका तंग खुद कर रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी ना हमने रिकॉर्ड कर लिया, ये देखिएगा वो देखे अली कैसे भागे अभी ज़ेन के पीछे। ये ज़ेन भी बेचारा, तुम लोग ना भागते हो यार। इतनी बड़ी ब्लाइंड है, ये देखो कैसे यार ये खेलता है, मुझे पक्का पता है खेलता है, काटता नहीं है। ये खेलता है दोस्तों, काटता नहीं है। आज ये तुम्हारे साथ खेलेगा। वो मेरी टांग पकड़ने वाला था, आप कह रहे तो कुछ नहीं कहता ना, खेलता है ना टांग पकड़ के, कुत्ते ऐसे खेलते हैं। अच्छा भला बैठा हुआ था, जो ही रैबिट्स को देखे एकदम से ना उनकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। इसका मसला और कोई नहीं है, बस हमारे परिंदे जो है ना और जानवर इससे बहुत ज्यादा डर रहे हैं। और अल्फा ने शोर मचाया। हाँ अल्फा क्या मसला है, क्यों शोर मचाया हुआ है? चिली ने भी शोर मचाना शुरू। कुछ नहीं आया, नई चीज नहीं आई। अच्छा अच्छा अंदर ही रहो, अंदर ही रहो, अभी इन्हें नहीं निकालना वरना सीधा अल्फा ने जाना है और उसके ऊपर हमला कर देना। अब फिर तुम इसके साथ पंगे कर रहे हो, फिर तुमने कहना है कि मुझे दो, मैं दिखाऊं जरा। अब भाई देख लो शीशे में, देख लो तुम्हारे जैसा एक और है। ये कौन है? देख रहे देख रहे। ये कौन है? इधर इधर देखो, इधर देखो, इसे अपना आप नजर आ रही है, समझ रहे हैं कि कोर है वो। तुम भी देखो कैसे ला रहे हो, तुम ही हो, तुम ही हो, कोई और नहीं है, वो समझ रहे हैं कोई और आ गया। तो दोस्तों अभी मैं ब्रावो को इस तरफ खेतों वाली साइड पे लेकर आया हूँ, लेकिन एकदम से बारिश शुरू हो गई है। बस थोड़ी सी देर हम इसे यहाँ पर घुमाएंगे, अभी आ जाओ क्या कर रहे हो, फिर हम इसे वापस ले जाएंगे। और मुझे ना यहाँ पर डैफनी की माँ भी नजर आई है, लगता है अपने बच्चों के पास आ गई है। तो हम वहाँ ज़्यादा उसके करीब नहीं जाते, कहीं इनकी लड़ाई ना हो जाए, वो फिर अपने बच्चों को छोड़ के कहीं भाग ना जाए। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारा नया वाला ब्रावो कैसा लगा। बस दुआ कीजिएगा इजाज़त दे दें इसको रखने की। ओए ओए से मुझे भी गिरा दिया है यार, तुम लोगों की वजह से ये सारी हरकतें हो रही हैं। ओए ये यार क्या,
से मैं भी गिरा हूँ दोस्तों इनकी वजह से। शुक्र है वो नीचे नहीं ले गया। यार ये तुम्हारी हरकतें हैं सारी, क्यों ऐसे करते हो तुम दोनों? मस्तियाँ करते हो ना इसके साथ, पहले खुद पंखे लेते हैं फिर जब वो पीछे लगता है फिर मैं भी स्लिप होके गिर गया हूँ। भाई साहब इधर तो कुत्तों की पूरी टीम आ चुकी है। इंजमाम भाई चले घर। हाँ टीम को आने दो, ये सब पे अकेला भारी होगा। ये देखे ये तीन चार है। ये तीन चार है भाई साहब वो उधर जा ही नहीं रहा भाई साहब हमारे पास ने लेके। ब्रावो हमारा वापस घर आ चुका है। बारिश अभी भी हल्की हल्की लगी और मुझे जल्दी से जाना है, इसके लिए जगह ढूंढनी है। यहाँ पर तो नहीं है यार, ये दूसरे घर में ही रात गुजारेगा क्योंकि यहाँ पर इसके लिए जगह नहीं है और इसके लिए अभी जगह भी बनानी है क्योंकि रात अगर ये बारिश में बाहर रहता है ना तो ये बीमार हो सकता है। आगे तो तीन दिन तक बारिशें हैं और जो दोस्त ये चाह रहे हैं ना कि इसको दे देना चाहिए डेंजरस है वो भी कमेंट्स करके बताएं और जो चाह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए बहुत प्यारा है अच्छा है वो भी बताएं। बट है अच्छा लेकिन अभी घर वालों पे भी डिपेंड करता है। अबू अभी तक आए नहीं है, उन्होंने भी देखना है, वो भी बताएंगे इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उसके बाद ही कोई मैं फाइनल डिसीजन लूँगा। अभी देख लें, इतना छोटा सा जानवर है आप संभाल नहीं पा रहे। आप सब कह रहे होते हैं शेर लाओ शेर लाओ, तो वो तो फिर ख़तरनाक ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम इसे नहीं संभाल पा रहे तो फिर हम शेर को कैसे संभालेंगे? तो इसलिए हम इसलिए शेर नहीं ला रहे क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हम सिर्फ उस चीज़ ला कर काफ़ी परेशान हैं कि ये यार यहाँ पर ख़तरनाक हो सकते हैं क्योंकि शेर वगैरह नॉर्मल ऐसे रहते नहीं हैं, तो इसलिए इनके लिए काफ़ी इंतजाम करने पड़ते हैं, प्रॉपर ट्रेनर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही मैं जो चीज़ भी लाता हूँ ना पहले मैं उसके बारे में काफ़ी रिसर्च करता हूँ, सोचता हूँ, मशवरा करता हूँ, उसके बाद ही वो चीज़ आती है। तो जब भी हम शेर पालने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह हम शेर भी ज़रूर लाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें जल्दी से इसका घर बनाना है ताकि यार बारिश में ये कहीं बीमार ना हो जाए। तो आपने ज़रूर बताना है कि हमारा नया जर्मन शेपर्ड आपको कैसा लगा। तो आज के जो व्लॉग तो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब उसे मैंने बांध दिया, अब तो आ जाओ मेहरबानी करो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? वो देखो वहाँ पर बैठा हुआ है, आ जाओ जल्दी से इसके घर का इंतज़ाम करें। नहीं आता रस्सी तोड़ के।